अपने इलाके से खास वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक क्लिक कीजिए। ये भटेरा खुर्द के हलकू और स्वामी दीन की 83 भेड़ और 4 बकरियों की मौत हो गई है 10 तारीख की रात। ये मौत का स्पष्ट कारण पता ही नहीं चल पा रहा है कि क्या कारण है। शंका हम तो ये हमारे दिमाग में नहीं आ रही है कि बढ़त तो यही में थी। अब भाव तो कैसा भाव, ईश्वर अगर मारती तो 2-4-10 नंग मार तो 20 नंग मार तो, लेकिन यह न हो तो कि सब धन स्वाह हो जाए। कितनी कीमत की थी आपकी? अब 5,000 से कीमत से तो कोनो का महीना है। और हम ऐसे सुई जाने थे कि जी ऐसा कर दे, क्या पता जारी मंत्र करूँ कि का करूँ। हमें गार का भावना मारी है जैसे याद हमारी जी नियंदाज पड़ता है कि कैसे मर गई, किसी ने कुछ डाल दिया कि कर दिया। नीचे ऐसी न मरती और जितनी भी अलग आती सब भी बच गई। हम तो सर ये खेती को काम कर, हमने कैसे मंजूरी कर खेती गार्डन जोड़ी थी तो कैसी आज हमारी खाई है। अब जी कहाँ 83 नंग तो मारा ही गो और 4 छियाँ मार गई, 84 नंग मार गए। उसी से सारी घर चलता तो भीड़ों से जागा है, सो क्या है थोड़ी थोड़ी जागा है, उसमें क्या होता जसू का पड़ रहा। तो सर ये चाहत की सरकार जो दे दी हमें मिल जाए तो वही अच्छा है। सहायता राशि अगर सरकार से मिल जाए, उनका यही कहना है कि हमारा परिवार पल जाएगा, नहीं हम भूखमरी के कगार में हैं, जो कि हम ये भेड़ों के सहारे हमारा परिवार चल रहा था। देखो जब हमने देखा जी। तो हमारा तो अनुभव ये है कि बाड़ी में बैठी थी बकरी सब, पानी बरसा शाम को, सब अंदर जाके बढ़ गई तो वो गर्मी की वजह से खत्म हुई। अब उन्होंने आरोप लगाया है कल्लू के ऊपर, तो हम कह सकते हैं कि सही है कि गलत है। तो क्या आपके तरफ से कुछ सहायता राशि? नहीं।